तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ किंग खान, बोले तो शाहरुख खान की न्यू फिल्म पठान की टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे जानकर आप भी कहोगे वाओ। तो चलिए फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। फैक्ट नंबर वन, पठान मूवी इज ए बॉलीवुड स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिसने इससे पहले भी सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ वार और बैंग बैंग जैसी मूवीज बना चुका है। फैक्ट नंबर टू, पठान मूवी रिलीज हुई है 25 जनवरी रिपब्लिक डे के स्पेशल ओकेजन पर, जो कि मूवी थिएटर्स में हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु IMAX लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पर क्या आपको ये मालूम है कि इस मूवी के लिए किस किस एक्टर ने कितना कितना करोड़ रुपया लिया है? नहीं। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड इस पठान मूवी को प्रोड्यूस किया है इंडिया के बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने, और इसका प्रोडक्शन कंपनी है यस राज फिल्म्स। साथ ही अगर इस पूरी मूवी की बजट की बात करी जाए तो इसको बनाने में टोटल 250 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। फैक्ट नंबर फोर, पठान मूवी में लीड रोल किया है शाहरुख खान ने, जो कि इस मूवी में एक रफ एंड टफ रॉ एजेंट है। साथ ही साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया और सलमान खान एंड ऋतिक रोशन को भी स्पेशल कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों इस पठान मूवी को इंडिया के साथ साथ 12 डिफरेंट कंट्रीज में शूट किया गया है। अच्छा? जी हाँ, जो कि है दुबई, अफगानिस्तान, स्पेन, टर्की, रशिया, इटली एंड फ्रांस। फैक्ट नंबर सिक्स, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी में किस एक्टर ने कितना पैसा चार्ज किया है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अकेले ही चार्ज किया है 100 करोड़ रुपए, वहीं दीपिका पादुकोण ने 15 करोड़ रुपए, जॉन अब्राहम ने 20 करोड़ रुपए और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने लिया है 25 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर सेवन, 12 दिसंबर को पठान मूवी का पहला गाना वेशरम रंग को रिलीज किया गया था, और रिलीज होते ही ये सॉन्ग काफी अच्छी व्यूज लेकर आई। लेकिन साथ ही साथ इस गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा कलर के बिकनी के चलते इस सॉन्ग और मूवीज को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, और तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चल रहा है। फैक्ट नंबर एट, पठान मूवी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के चौथी फिल्म है। इससे पहले स्पाई यूनिवर्स के 3 फिल्म्स ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि है सलमान खान की फिल्म्स एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और ऋतिक रोशन की फिल्म वार। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों पठान इंडिया की फर्स्ट ऐसी मूवी है जिसको की IMAX कैमरा के द्वारा शूट किया गया है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में अब तक 20 ऐसी फिल्म्स है जिसको की IMAX कैमरा के द्वारा शूट किया गया है, जिनमें से कुछ है टाइटैनिक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम, कैप्टन अमेरिका एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 10, पठान के क्लाइमेक्स में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। पठान इंडिया का फर्स्ट ऐसी मूवी है जिसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहां पर सलमान खान और ऋतिक रोशन एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने अब तक पठान मूवी देखी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।